गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज योर द जेंटलमैन राइटर साइनिंग एन कैम चो। आप लोग अभी 12 बज चुके हैं, मैं अभी जा रहा हूँ। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ विशाल को चाहिए थी जो यहाँ पर रह चुकी थी, तो वही मैं उसको कुरियर करवाने के लिए देने जा रहा हूँ। और अभी वो है आजा चौकड़ी पे, वो ऑफिस है जहाँ से अपन को कुरियर करवाना है वो पार्सल। तो वो पार्सल कुछ और नहीं, हार्ड डिस्क है जिसमें बिलीव शॉर्ट फिल्म है, पूरी की पूरी शॉर्ट फिल्म उसमें है, तो उसको देना ज़रूरी है क्योंकि वो वहाँ से अपलोड करने वाला है। तो अभी से मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बहुत जल्दी अपनी जो शॉर्ट फिल्म है वो रिलीज़ होने वाली, और ये चैनल पे आप बने रहो, जल्दी से जल्दी वो अपन कोशिश करेंगे कि वहाँ पर आपको शॉर्ट फिल्म दे दें हम लोग। तो अभी वही देने जा रहा हूँ मैं हार्ड डिस्क, कुरियर करवाते हैं और प्रे करते हैं कि अच्छे से सेफली हो। वहाँ बहुत कोमल चीज़ है, अगर थोड़ी सी भी गिरती है तो समझ लो फाइल्स गायब। कुरियर करवाते हैं, विशाल के पास पहुँचाते हैं, ठीक है? तो फटाफट अपन चलते हैं कुरियर करवाने के लिए, चलो। गाइस ये रहा वो हार्ड डिस्क, और अभी अपन जा रहे हैं इसको पार्सल करवाने के लिए। लेकिन तकदीर देखो भाई हमारी, बारिश स्टार्ट हो गई यहाँ पे। चलो फटाफट से अपन शॉप पे पहुँचते हैं। गाइस जस्ट अभी मेरी बात हुई है एसजे कैम वालों से, उन्होंने कहा कि ये आप कैमरा कुरियर करवा दो, 15-20 दिन में या तो रिप्लेस हो जाएगा या तो रिपेयर हो जाएगा, क्योंकि अभी तक इसका इशू चल ही रहा है। देखो मैं इसको वापस से चालू करता हूँ, ये चालू तो होगा लेकिन वापस एक हैंग हो जाएगा और उसके बाद में वापस से अटक जाएगा। देखो एक जगह पे हैंग हो गया है, शेडो मेरी कहाँ है देखो कैमरे में, ये अभी बंद हो जाएगा, अभी तुरंत बंद होगा, भैंस की टांग भाई, बंद हो गया। अभी वापस अपने आप चालू होगा, पता है कैमरा लोग लेते हैं ना तो वो आपके हिसाब से चलेगा, लेकिन नहीं, इस कैमरे को आपको अपने हिसाब से चलाना है, ये अपने हिसाब से आपको चलाएगा, बंद है, ये बंद भी नहीं होगा अभी भाई, भाई तेरी भैंस की टांग। तो गाइज मैंने इसको सोच लिया है कि मैं इसको अभी भेज दूंगा वहाँ पर जोधपुर में, मतलब इसको भेज दूंगा एसजे कैम वालों के पास में, उन्होंने बोला है कि रिपेयर करवा के देंगे, तो सोच रहा हूँ भेज देता हूँ। मैंने विशाल से भी बात करी, विशाल ने बोला कि ठीक है भाई अगर ऐसा है तो भेज दे, मतलब भेज दे और देख कि कब तक वापस आता है फिर। और उन्होंने बोला है कि 15-20 दिन लगेंगे, लेकिन भाई 15-20 दिन में ब्लॉग का क्या करूँगा, मेरे को तो यही समझ नहीं आ रहा था। तो विशाल ने बोला कि ठीक है तू ऑडियंस को अभी से बोल दे कि ऐसा ऐसा सीन हो गया है, तो मैं सोच रहा हूँ कि उसको भेज देता हूँ, रिपेयर होके आएगा तो अच्छा चलेगा आई थिंक सो। और मैंने उनको बोला है कि माइक का भी इशू है यार, माइक वाइक बिल्कुल काम नहीं करता इसका, उन्होंने बोला ठीक है। तो अभी मैं इसको सोच रहा हूँ कि भेज देता हूँ कल के कल ही, और फिर ब्लॉग फ़ोन के कैमरे से आएंगे। सो सॉरी फॉर द क्वालिटी जो आपको मिलने वाली है थोड़े दिनों के लिए, लेकिन हाँ मैं ट्राई करूँगा कि अच्छे से आपको एडिट वेडिट करके दिखाऊंगा। गुड मॉर्निंग गाइस, आज है वेडनेसडे का दिन और मैं अभी जा रहा हूँ सुमित भाई से मिलने के लिए, क्योंकि जो मेरा वाटरप्रूफ केस था, याद है आपको, हम लोग ट्रिप पे गए थे उधर में रतनमार, तो वहाँ पर हमने मतलब मेरा जो कैमरे का वाटरप्रूफ माउंट था वो मैंने दे दिया था सुमित भाई को, तो सुमित भाई के बैग में था वो सामान, कैप थी मेरी एक और कैमरे का माउंट था, मतलब वो वाटरप्रूफ केस था, तो वो दे दिया था मैंने उसको, उसके बैग में ही रह गया था, तो आज तक लिया ही नहीं है। तो अभी मेरे को ये पार्सल करवाने के लिए जाना है, तो उन्होंने मेरे को बोला कि वाटरप्रूफ केस में डाल के आप भेजिए यहाँ पे, तो सेफ्टी रहेगा थोड़ा सा कैमरे का ना। तो अभी मैं केस लेने जा रहा हूँ, तो अभी जा रहे हैं अपन फटाफट से, वो स्टेशन के पास में रहते हैं तो उनके पास में जा रहे हैं अभी, और फटाफट से लेते हैं वो वाटरप्रूफ केस और फिर वापस आके घर पर और उसको पार्सल करवाने के लिए जाते हैं, ठीक है? चलो 346 minutes later. तो गाइज अभी अपन लोग कुरियर करवाने के लिए आए थे अपना कैमरा और हार्ड डिस्क, तो वो तो कुरियर हो चुके हैं और अभी देखते हैं फटाफट से, वो बोल रहे हैं कि 4-5 दिन में पहुंचेगा, ठीक है अभी जल्दी से पहुंच जाए तो ठीक है, और रिटर्न भी चाहिए क्योंकि मेरे को नेक्स्ट मंथ का हमारा, मेरा और विशाल का प्लान बन रहा है कुछ, वो सरप्राइज़ है आपके लिए और बहुत तगड़ा प्लान है, वो आपको बताएंगे बाद में। तो गाइज अपना कुरियर पार्सल हो चुका है, भगवान कैमरे मैं तेरे को मिस तो नहीं करूँगा क्योंकि बड़ा परेशान किया तूने, लेकिन फिर भी यार आई मिस यू, क्योंकि क्वालिटी तो अच्छा दे दिया है तुमने, ठीक है अभी कोई बात नहीं, ठीक होके आने वाले हो तुम, तो मिस यू मेरे कैमरे, चलो जाने दो अभी वो ठीक होके आएगा वापस, तो कुरियर करवा दिया। अभी सोच रहा हूँ कि आंटी के घर पर मिल के आऊँगा, ये आजवा चौकड़ी है, अभी सोच रहा हूँ कि आंटी के घर पर जाऊँ और आंटी से मिल के वापस आऊँ। तो गाइस पहुंच चुके हैं अपन आंटी जी घर पे और बहुत ज़्यादा हवा चल रही है भाई, बहुत ज़्यादा और मस्त लग रहा है ऐसा, हवा लग रही है ना तो बहुत मस्त लग रहा है। देखो अभी आंटी जी तो आए नहीं, वेट कर रहे हैं अपन आंटी का, और अपनी जीनी खड़ी एकदम मस्त, कैसे चमके धूप में शबनम,
तो देखो शाम का टाइम हो चुका है और मैं आज वह चौकड़ी के पास में कमला नगर तालाब है वहीं पर आया था और टहल रहा था, मेरे को एक ब्यूटीफुल सा नज़ारा लगा तो मैंने सोचा कि आपको भी दिखाऊं। बहुत मज़ा लग रहा है गाइस, भयंकर। देखो सूरज अभी सनसेट हो रहा है, ये शाम का टाइम हो चुका है, लगभग 6:30 हो चुके हैं, 7 बजने वाले। बस यही सीन है गाइस, अभी रूम पे जाऊँगा। अभी तक मैं रूम पे ही था लेकिन अभी जस्ट टहलने के लिए निकला हूँ। आंटी के घर से मैं 11:30-12 बजे तक वापस आ चुका था और अभी से बाहर निकला हूँ तो थोड़ा घूम रहा हूँ, तो देखते हैं। पैदल ही घूम रहा हूँ, बाइक लेके तो नहीं आया मैं, कैमरा कुरियर वुरियर हो चुका है तो कुछ नहीं कर सकते अपन। चलो ठीक है, थोड़ी देर इधर में खड़े हैं, इंजॉय करते हैं हवाओं को और सनसेट के नज़ारे को, फिर आपसे वापस मिलते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, तो गया था मैं दूध लेने के लिए सुबह सुबह में, क्योंकि चाय तो पीना बनता है। अभी टाइम हो चुका है, 9 बज चुके हैं अभी, और मैं अभी चाय वाय पीता हूँ, फिर एडिटिंग पे बैठूँगा और वीडियो आपके लिए अपलोड करूँगा। ठीक है, फटाफट से चलते हैं अपन, चाय पीते हैं, उसके बाद आपके लिए एडिटिंग करने बैठेंगे और वीडियो अपलोड करेंगे। कैमरा अपना कुरियर हो चुका है और हार्ड डिस्क भी कुरियर हो चुकी है, वो 3-4 दिन में पहुँच जाएगी। मतलब कल मैंने कुरियर करवा दिया था दोनों चीज़, उसका रिसिप्ट जो होता है वो भी आ चुका है मेरे पास में। जो मेमोरी कार्ड है वो मैंने कैमरे में ही रखा हुआ है ताकि वो लोग फुटेज चेक कर सके कि कैसी फुटेज आ रही है उनके पास में, मतलब उस कैमरे से कैसी फुटेज आ रही है, तो वो दिया हुआ है। और विशाल को हार्ड डिस्क जल्दी ही मिल जाएगी, तो आपके पास एक बहुत तगड़ी शॉर्ट फिल्म आ जाएगी, बहुत तगड़ी, और बहुत ज़्यादा प्यार देना उसको। मैं अभी से प्रमोशन कर रहा हूँ क्योंकि आप समझ रहे हो बहुत ज़्यादा तगड़ी, हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है उसमें। ठीक है, जयेश भाई ने मेहनत करी है, विशाल भाई ने तो मेहनत करी है, एडिटिंग पूरा विशाल ने संभाला है, तो धीरज, जयेश सब लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, शैली सब ने मेहनत करी है, बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, और पूरा प्यार उसको देना, बहुत ज़्यादा प्यार देना। और जल्द से जल्द वो इस मंथ के एंड तक या नेक्स्ट मंथ के स्टार्टिंग के वीक में आपको मिल जाएगी, ऐसा पूरा ट्राई करेंगे अपन लोग। अभी से कमिटमेंट नहीं दे रहा हूँ लेकिन फिर भी हम लोग ट्राई करेंगे कि आपको जल्दी से जल्दी दे दे। बस यही सीन है, अभी विशाल को पहले वो हार्ड ड्राइव मिले, उसमें से वो वापस से जो भी उसको एडिट वेडिट करना है थोड़ा बहुत बचा है तो वो कर लेगा और उसके बाद आपके लिए अपलोड कर देगा, तो आपके पास जल्दी से जल्दी आ जाएगा वो शॉर्ट फिल्म। ठीक है, और बहुत सारा शेयर करना है उसको, बहुत ज़्यादा शेयर करना है। ठीक है, वीडियो में इतना कोई अच्छा खास था नहीं लेकिन फिर भी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। दिस इज योर द जेंटलमैन राइडर साइनिंग ऑफ, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बी सेफ, राइड सेफ एंड कीप स्माइलिंग।